नमस्ते दोस्तों, मैं मोनी कुमारी, मोनी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टमाटर की मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे घर पे आप बहुत ही झटपट और बहुत ही जल्दी बना सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से, और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें मैंने चीनी का यूज़ नहीं किया है, मैंने इसमें गुड़ का यूज किया है। तो टमाटर की चटनी के लिए हमें चाहिए टमाटर। यहाँ मैंने 500 ग्राम टमाटर लिया है, गुड़ 100 ग्राम गुड़, एक चम्मच पाँच फोरन, दो तेज़पत्ता, दो लाल मिर्च और एक इंच अदरक टुकड़ा, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। तो चलिए सब बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले टमाटर को आप पहले धो लें अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ टमाटर को अच्छे से धो लिया है। अब टमाटर के आप बड़े बड़े टुकड़े काट लें। मैंने सारे टमाटर को बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं। अब इसके बाद कुकर लें, फिर इन सभी टमाटर को कुकर के अंदर डाल लें। आधा चम्मच, छोटा चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच नमक, इसको डाल के आप ढक्कन लगा दें और गैस पे रख दें। फिर कुकर को गैस पे रख के इस गैस को ऑन करके फुल फ्लेम रखें, और उसके बाद जब इसमें एक सीटी आ जाए तो इसका फ्लेम पूरा लो रखें और लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए रख के गैस को बंद कर दें और फिर इसे आप ठंडा होने दें। देखिए फ्रेंड, हमारा सीटी खुल गया, ये अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। और देखिए टमाटर भी अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसे मैं छलनी की सहायता से छान लेती हूँ। इस तरह से एक कटोरा ले लें, उसके ऊपर छलनी को इस तरह से रख लें, और फिर जो टमाटर आपने कुकर में पकाया है उसे इस छलनी में डाल दें। और फिर उसके बाद इस छलनी में चम्मच की सहायता से आप इस तरह से कीजिए, मैश कीजिए इसे, जिससे आपके सारे गुदे निकल जाएंगे और छिलका छलनी में ही रह जाएंगे। आप चाहें तो इसे ठंडा होने दें और फिर आप हाथ की सहायता से या दाल घोटने की सहायता से इसे मथ के छान लें। देखिए फ्रेंड, सारे छिलके इस छलनी में रह गए हैं और हमारा सारा पल्प बर्तन में निकल गए हैं। अब मैं चटनी में तड़का लगा लेती हूँ। तड़के के लिए कढ़ाई को गरम करें। जब कढ़ाई गरम हो जाए तो इसमें आधा चम्मच तेल, एक चुटकी हींग, पचफोरन को थोड़ा क्रश करके डालें,
इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। दो तेज़पत्ता, दो लाल मिर्च, और फिर अदरक, जब ये सभी हो जाए डाल दें, उसके बाद आप टमाटर को इसके अंदर डाल दें। और इसे इस तरह से पकाएं। अब इसमें आप गुड़ को डाल दें। और इसे गाढ़ा होने तक पकाएं। तो इसका फ्लेम आप मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकने दें। देखिए हमारा चटनी गाढ़ा होने लगा है। जब ये हमारा 75% गाढ़ा हो जाए तो इसमें आप किशमिश को डाल दें। इससे चटनी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। देखिए हमारा चटनी बनकर तैयार हो गया। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ क्योंकि बाद में ये और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। देखिए हमारा चटनी बनके अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और इसे आपको मैं सर्विंग बाउल पे निकाल के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों हमारा टमाटर की मीठी चटनी बनकर तैयार हो गया है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे आप समोसे या पकौड़ी के साथ अपने फैमिली मेम्बर को खिलाइए। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।